लगातार रैली बन रही है उसमें, लास्ट 3 से 4 क्वार्टर्स में जेके पेपर के स्टॉक को लेके आइए और लास्ट 1 ईयर आपको नजर आएगा कि जेके पेपर में एक अच्छी रैली बनी है। मयूरेश, एक पेपर स्टॉक पे व्यू बताइए और जेके पेपर इन पर्टिकुलर, क्योंकि जेके पेपर के नंबर तो बहुत सॉलिड आए हैं, ये थोड़ा डिस्कवर्ड हो गया है स्टॉक, अब काफी पोर्टफोलियोज में आ गया है, पीएमएस मैनेजर्स इसके अंदर अब हो गए, तो ये अनडिस्कवर्ड आइडिया नहीं है। हालांकि ये बात सच है कि टेलविंड है, काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस है, यहां से गुंजाइश, ये लास्ट 1 ईयर का ग्राफ लिखिए डॉक्टर साहब, इस समय करीब 420 के आसपास स्टॉप आउट हुआ था, एक साल का ग्राफ से मालूम चलेगा कि कहाँ पे है ये, 80% रिटर्न एक साल में, 52 वीक हाई पे बैठा है, यहां से कितनी ज्यादा और रीरेटिंग की गुंजाइश लगती है मयूरेश इस तरह के सॉलिड नंबर्स के बाद? तो अजय, आई थिंक जैसे आपने राइटफुली कहा, आई थिंक काफी कुछ शायद स्टॉक में डिस्काउंट हो चुका है इन टर्म्स ऑफ प्राइस परफॉर्मेंस, बट जहां तक नंबर्स का सवाल रहा, आई थिंक जो पूरा कोविड काल था जहां पे सेक्टर और सेगमेंट ने पूरा मार झेला था, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा था, आई थिंक स्कूल्स बंद थे, ऑफिसेस बंद थे, आई थिंक जो पूरा अनलॉक ट्रेड खुल गया 2-3 तिमाहियों पहले, आई थिंक दिस सेगमेंट हैज वर्क वंडरफुली वेल टुवर्ड्स दैट अनलॉक ट्रेड। दूसरा आप देखें, आई थिंक जो इनपुट कॉस्ट हैं वो एलिवेटेड रही थी पिछले 2 से 3 क्वार्टर और डिमांड भी उतनी स्ट्रांग थी, इसलिए जो पास कॉस्ट पास थ्रू किए हैं प्राइसेस में, हर तिमाही में आप देखेंगे जेके पेपर लेके आइए, आप शेषशायी पेपर लेके आइए, ओरिएंट पेपर लेके आइए, ऑल दीस कंपनीज हैव प्रोबेबली पास थ्रू देयर कॉस्ट एंड दोस कॉस्ट हैव गॉट अब्सॉर्ब, क्योंकि डिमांड तगड़ी रही है बोथ फ्रॉम स्कूल्स इंस्टीट्यूशंस एंड कॉर्पोरेट हाउसेस एज वेल। तीसरा, आई थिंक जेके पेपर के केस में जो अधिग्रहण इन्होंने किया है, आई थिंक यूटिलाइजेशन लेवल्स हैव गॉन अप क्वाइट सिग्निफिकेंटली और अच्छा खासा बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। तो आई थिंक जो डिफरेंशिएटर्स होते हैं अजय, द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज द कंपनीज व्हिच आर बैकवर्ड इंटीग्रेटेड, जेके पेपर हुआ, वेस्ट कोस्ट पेपर हुआ, शेषशायी पेपर के बहुत जबरदस्त नतीजे थे, बट आई थिंक जो बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनीज हैं जिनको रॉ मटेरियल सोर्सिंग का एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है, और दूसरी चीज आई थिंक जिसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और लेवरेज बहुत ज्यादा बैलेंस शीट पे है नहीं, दीज कंपनीज कैन कीप ऑन परफॉर्मिंग वेल इन टर्म्स ऑफ देयर रिपोर्टेड अर्निंग्स पर शेयर। आई थिंक जो रिपोर्टेड ईपीएस आएगी वो आई थिंक अच्छी होगी, 2-3 तिमाही बाद बेस बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए आई थिंक जब हम कंपैरिजन करेंगे अगले 2 वर्षों के लिए, एक एवरेज रिटर्न भी हम इनके चले ऑन टॉप लाइन एंड बिट्टा and ROE, that should be significantly better year on year. थोड़ी कम हो जाएगी because of the extended base next year से, but कहीं ना कहीं I think momentum will still continue, क्योंकि सारे tailwinds उनके पास अभी भी बरकरार है, and vertically integrated companies like JK, West Coast can keep doing well because demand उतनी तगड़ी रही है and organized players are gaining market share. और राय, तो ये तो पेपर स्टॉक्स पे व्यू है आपका, और शेषाशाही पेपर पे भी आप अपनी राय दे रहे हैं, पेपर स्टॉक्स जेके पेपर भी हमारे यहाँ, हमने भी चैनल पे कई बार इनफैक्ट इसकी बात की, एक्सपर्ट्स ने रेकमेंड भी किया है स्टॉक कई बार, तो पेपर स्टॉक्स में एक अच्छी मूव, और उसका रीजन ये था जो आपको अब नंबर्स में भी दिख रहा है। लेकिन आज ब्रोकेश, ये रिलैक्सो फुटवेयर के नंबर्स आपने देखे, बहुत ही बड़ा शॉकर आया है, अगर आप देखें, और मैं वापस, मैंने जब चार्ट्स देखे और परफॉर्मेंस देखी तो मालूम चला कि कैंपस फुटवेयर में बाइंग आ रही है, खादिम में बाइंग आ रही है, मेट्रो शेयर मेट्रो में काफ़ी बाइंग आ रही है शूज़ में, लेकिन रिलैक्सो फुटवेयर डायरेक्टर साहब आप लास्ट 1 ईयर लेके आइए, स्पेशली अगर आप ईयर टिल डेट लेके आए, कुछ 1400 रुपये वाला 950 हो गया, और कल हमने देखा क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रेशर, YOY प्रेशर रिलैक्सो में, क्या नज़र डाली आपने, क्या जूते में रॉ मटेरियल और दूसरे इश्यूज इतने बड़े हो गए कि इतने खराब नतीजे? गुड मॉर्निंग अजय, नहीं कहीं ना कहीं आई थिंक नंबर्स आर वेरी वेरी सॉफ्ट रिलैक्सो के केस में, बट जनरली अगर आप देखें जो फुटवेयर इंडस्ट्री है अजय, उसका जो एक पोटेंशियल है वो बहुत ह्यूज है, जो इंडस्ट्री की साइज है आज के तारीख में वो 90,000 करोड़ के आसपास है, एंड दैट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू ऑलमोस्ट 1,40,000 करोड़ इन द नेक्स्ट 4 to 5 years। दूसरी चीज ये देखें कि आई थिंक जो एक ट्रेंड बदल रहा है पूरे इंडस्ट्री में, जो एथ लेजर शूज हम कहते हैं उसके तरफ जा रहा है, तो आई थिंक जो कैंपस एज एन एग्जाम्पल ये सेगमेंट में है, दैट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट विद इन द फुटवेयर मार्केट इटसेल्फ। अगर आप बाटा को देखें तो आई थिंक जो इनोवेशन वो ला रहे हैं स्पेसिफिकली टूवर्ड दिस पार्ट ऑफ देयर बिजनेस सेगमेंट इज वेल, और जो इच्छा उनकी है कि ये पार्ट को आई थिंक एक रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन और एबिटा कॉन्ट्रीब्यूशन क्वाइट सिग्निफिकेंट करें अगले 4 से 5 वर्षों में, अ लॉट ऑफ दीज फुटवेयर मेकर्स आर ट्रांजिशन कर रहे हैं टूवर्ड दीज एथलीजर सेगमेंट इटसेल्फ, क्योंकि जो मिलेनियल्स पसंद करते हैं नई डिजाइन, जो जो
रेगुलर यूज के लिए होता है, जो कैजुअल के लिए होता है, और सेमी कैजुअल के लिए भी. आई थिंक दैट एंटायर ट्रेंड विच इज नाउ शिफ्टिंग टुवर्ड्स सेमी कैजुअल इज वेल. आई थिंक ऑल दीज कंपनीज हैव ऑलरेडी ट्रांजिशन टुवर्ड्स दिस. आई थिंक रिलैक्सो कहीं ना कहीं इसके पीछे पड़ रहा है. थोड़ी आई थिंक जो ग्रामीण में उनकी एक एक्सपोजर है वहाँ पे हमने देखी है विद मैक्रो डेटा पॉइंट्स कमिंग थ्रू. थोड़े आई थिंक डेटा पॉइंट्स आर वेरी वेरी सॉफ्ट ऑन दैट फ्रंट, इसलिए थोड़ी स्पेंडिंग कम हो रही है. इसलिए मुझे लगता है आई थिंक जो सेगमेंटल शिफ्ट हो रहे विद इन द सेगमेंट इटसेल्फ, इस पे ध्यान देना चाहिए. द बिगर प्लेयर्स आर प्रोबब्ली डूइंग दैट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट नो टू वेज अबाउट इट. आई थिंक नंबर्स काफी सॉफ्ट है. रिलैक्सो फुटवेयर को आज काफ़ी चपत लग सकती है, बाजार को प्रेशर आ सकता है. अच्छा होता अगर मैनेजमेंट थोड़ा आके एक्सप्लेन करते कि इस क्वार्टर का हुआ क्या है. अनफॉर्चुनेटली अवेलेबिलिटी नहीं हो पाई मैनेजमेंट की, हम लेके आते. आपको आपको मालूम है ये स्टॉक फैंसी वापस कब आया? बिफोर कैंपस फुटवेयर एक जाने माने बहुत बड़े PMS ने, जो अब करीब करीब 20,000 करोड़ का AUM हो गया, उन्होंने ये नाम अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया था. आपको याद है किसने किया था? मार्सेलस ने. अच्छा, उसके बाद ये फोकस में वापस आ गया, मिड कैप स्टॉक्स. जी हाँ, तो आज ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि बाजार कैसे रिएक्ट करता है. एक